मेरा नाम मंगतू है साहब। मंगतू, अच्छा ये आप ये बताइए जहाँ आप खड़े हैं कब्रिस्तान है या फिर गौशाला था? देखा मेरा बाप यहाँ ढेंकी चलाता था, इस खेत को करता था, ये कब्रिस्तान ही था। अच्छा, पहले से ही कब्रिस्तान है? बचपन से देखा, मेरी 50 साल की उम्र है। मैंने 50 साल की आपकी उम्र है? हाँ, मैं आप गारंटी दे। फिर से नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मंगतू साहब। मंगतू साहब इनका नाम है, पड़ोस में रहने वाला। ये कह रहा है यहाँ मैंने शुरू से ही कब्र देखा था। अच्छा, ये पास में जो घर है कब्र देखी है? अच्छा, खेत है पड़ोस में। हकीकत में कब्रिस्तान ही है? मैंने कब्रिस्तान ही देखा अपनी जिंदगी में। यहाँ के लोग कह रहे हैं कम से कम 2000 बुजुर्ग यहाँ दफन है। यहाँ गले कबर कबर तो सब कबर है। कल यहाँ पर जो कार्रवाई की, तार कसाई की गई, यहाँ सान घर बनाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ हमें जब खुशी होगी जब यहाँ गाय आती हुई नजर आएंगी हमको, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? अरे इसमें कुछ ना है, ये तो कोई आदमी कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार आ गई है वो आपस में भिड़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम को? कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है? ऐसे ही पुश्तैनी जमीन है। अच्छा जी, और ये हमारे समाज के लोगों की जमीन है। अच्छा जी, और उस जमीन जिसके नाम से थी जी वो ना औलादी था शायद, ना के नाम से बच्चे नहीं होने के एवज में इसको ट्रांसफर किया गया था कब्रिस्तान के लिए। अच्छा जी, या वो बेचारा कहने से पहले गुजर गया था, कह गया होगा जी जी। 77 साल पुरानी निकल है ये, इसमें कब्रिस्तान लिखा हुआ है। देखो 2 अक्टूबर 2003 निकल है ये, कब्रिस्तान कबर कब्रिस्तान 6 बीघा 6 बिस्व। अच्छा, 6 बीघा 6 बिस्व पूरा ये दोस्तों कागज है आपके लिए, सारी चीज हम रिकॉर्ड ली कब्रिस्तान।